औरबिल्लाशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों हम अब जो अपने स्टूडेंट के सामने वीडियो बनाने जा रहे हैं पोइम की, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनके पास मतलब स्टडी करने के लिए वक्त नहीं होता, और ख़ास तौर पर जैसे कि 24 को पेपर हो रहा है तो टाइम बहुत शॉर्ट है और इस शॉर्ट टाइम में वो किताबों से किसी भी सूरत तैयारी नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे जो जॉब करने वाले हैं, हम अभी भी उनको उम्मीद देंगे, हौसला देंगे कि वो अभी भी जो है वो पास कर लेंगे। अभी भी कोई टाइम जो है ना गुजरा नहीं है कि वो तैयारी ना कर सकें। तो हम उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस तरह हम जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं वो विद इन 5 या 6 डेज में टोटली पेपर की तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो आज की जो पोइम है पैट्रियॉटिक डिक्टेटर, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है। और इसके अलावा मैंने मल्टी पोइम भी बना दी है, मल्टी पोइम वो भी आपके सामने वीडियो में अपलोड हो जाएगी। और उसके साथ ही फिर अगर कोई लेंथी करना चाहता है तो लेंथी कर लें, अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो इसने में जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी ये मवाद काफ़ी है। मतलब उसमें क्या होगा, सबसे पहले दीज लाइन रेफरेंस लिखकर दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम पैट्रियट नोटेटर रिटन बाय, पोइट का नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट लिखकर ये पैरा सारा लिख देंगे, तब भी आपका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्लियर हो गया। अब अगर क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन में 150 वर्ड्स का आंसर होता है। अब 150 वर्ड्स का, इसके लिए भी हमने क्या किया कि हमने मल्टी पोइम जो बनाई है वो सबसे पहले मल्टी पोइम में तारफ होता है पोइट का, वो सारा लिख कर फिर ये कहानी शुरू कर देनी है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका मुकम्मल हो जाएगा। और ये जो है कहानी जो है इसकी, ये मैक्सिमम 10 मिनट में तैयार हो सकती है। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं इसकी जो वोकैबलरी है, उसके बाद फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अ पॉलिटिकल लीडर, सियासी रहनुमा, डॉन फॉल, जवाल, 1 ईयर अगो, एक साल पहले, एंटर, दाखिल होना, पॉलिटिकल फील्ड, सियासी मैदान, वार्मली, बड़ी गर्म जोशी से, वेलकम, खुश आमदीद कहना, इस्तकबाल करना, सिंसियर एंड सेल्फलेस, सिंसियर मुखलिस एंड सेल्फलेस बेगर्ज, अगर ये भूल गया सेल्फलेस तो फिर ऑनेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, फेवर, हमायत, लूज, खोना, लूज की सेकंड फॉर्म है लॉस, फुलफिल, पूरा करना, प्रॉमिस, वादा, प्रोमिस जैसे का दफा कर देंगे तो वादे हो जाएगा, काला टेटर, गद्दार करार देना, गद्दार कहना, हैंग, पांसी पर लटकाना, थर्ड फॉर्म आएगी हैंग्ड। अब आप देखें किस अंदाज से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, जो टेक्निक्स बताएंगे उन तमाम टेक्निक को जेन नशीन रखना अपने, और अगर इसी तरह हमारा लेक्चर लेते जाएंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप एक अच्छे ट्रांसलेटर भी बनेंगे। उसके साथ साथ विद इन 1 या 2 डेज में BA की तैयारी होती है, और मैं अभी भी कहूँगा बिल्कुल आप हौसला जो है ना वो अपने हौसले को बरकरार रखें, किसी भी किसी के कहने पर हौसला नहीं तोड़ना। लास्ट टाइम जो कल रिज़ल्ट आया है माजर के साथ, जो कल रिज़ल्ट आया हमारे MA इंग्लिश के, अल्लाह का शुक्र है सप्ली के सारे स्टूडेंट पास हुए हैं, और वो बच्चे पास हुए हैं जिनको हर बंदे ने कहा हुआ था कि आप पास नहीं हो सकते, डराया हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है हम उस ज़ात के सदके जाएँ, जितना भी शुक्र उस ज़ात का करें कम है। हमारी यारी सिर्फ अल्लाह के साथ है, और जिसने अल्लाह के साथ यारी लगा ली वो दुनिया में कामयाब आदमी बन गया। ज़हन में रखें, हमें बचपन से शौक़ था कि हम अल्लाह की मखलूक के लिए काम करें, और उस शौक़ की वजह से अल्लाह ने हमें गैबी ताकत से मदद करना शुरू कर दी। हमारी पढ़ाई में, पैसों के मामले में, हर तरफ से मुझे सपोर्ट अल्लाह की तरफ से आती है, ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ बात आपको। और आज अगर हमारा नाम भी चला ये उसके पीछे सब उस ज़ात की, चूँकि हमारा मेन टारगेट है अपने अल्लाह की मखलूक के लिए काम करना, और इसके लिए आसानियाँ पैदा करना। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात हो गए हैं, हमारे मुल्क में जो गरीब है उसको टोटली नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस तरह MA की डिग्री जो बच्चों की आज थी उम्मीद थी वो भी उनसे छीनी गई है, और हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी भी बेहिशी, और वो लोग जो ताकत में इस वक्त जो पावर में है वो भी अपनी बेहिशी का इजहार कर रहे हैं। इन लोगों को ये जहन में नहीं आता कि ताकत सदा नहीं रहती, हमने दुनिया से जाना है,
और जितनी भी आफतें आती हैं वो तब आफतें आती हैं जब इंसान जो है अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है और वो अपने अल्लाह से अपनी यारी तोड़ता है और पीछे हटता है। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम ज़वाल पज़ीर आते हैं, फिर सारी दौलत भी ज़ीरो हो जाती है। ज़हन में रखें, तो मैं बार बार कहता हूँ खुदारा ऐसा काम मत करें कि आपको बच्चों की तरफ से बदजुआएँ मिलें। और इस वक्त बच्चे किस तरह बदजुआएँ दे रहे हैं, वो बच्चे जिन्होंने बीए पास कर लिया और एमए की तैयारी के लिए बैठे हुए थे और एंड पे आकर ये कहा गया कि जी दाखिले बंद। क्यों दाखिले बंद? इन लोगों ने भी तो जो डिग्रियाँ ली हुई हैं, अच्छी सीटों पर बैठे हैं, यही तो वही लोग हैं ना जिन्होंने वही मास्टर की डिग्री ली हैं। अपनी दफ़ा तो अच्छी सीटों पर आ गए, अब नई नस्ल जो बेचारे गरीब हैं उनकी बारी आई तो कहते हैं जी इस डिग्री की वैल्यू नहीं है। तो इनको, इनके लिए मैं एक लफ्ज़ आखिरी जो यूज़ करूँगा डैश, डैश में सब कुछ इनको समझना चाहिए। तो अब मैं वापस आता हूँ अपने लेक्चर की तरफ। देखें, इस नज़म शार हमें एक सियासी रहनुमा के जवाल के बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है ये। इस नज़म में इन दिस पोइम शायर हमें बताता है, द पोइट टेल्स अस, द पोइट टेल्स अस। अब इजाफी चीज़ क्या आई जवाल के बारे में, के बारे में, अबाउट, अबाउट दी डाउनफॉल, अबाउट दी डाउनफॉल जवाल के बारे में किसके, एक सियासी रहनुमा के, ऑफ अ पोलिटिकल लीडर। तो देखें फिक्रा बनता कैसे है, ये चीज़ सीखनी है। नेक्स्ट देखें, एक साल पहले जब वो सियासी मैदान में दाखिल हुआ, पास इंडेफिनिट का फिक्र है। फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने अपने टेंस की फॉर्मेशन को मुकम्मल करना होता है। एक साल पहले, इसको बाद में भी ला सकते हैं और पहले भी ला सकते हैं, अगर हम बाद में लेके आएंगे तो। जब वो सियासी मैदान में दाखिल हुआ, व्हेन ही एंटर, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रोपोजिशन यूज़ नहीं होगी। व्हेन ही एंटर द पोलिटिकल फील्ड, जब वो सियासी मैदान में दाखिल हुआ, एक साल पहले, अ ईयर गो या वन ईयर गो, एक साल पहले, टॉक इंग्लिश होती है कॉमा, कॉमा लगाकर। तो लोगों की तरफ से बड़ी गर्मजोशी, उसका इस्तकबाल किया गया, तो उसका इस्तकबाल किया गया पास इंडेफिनिट का पैसिव वर्ब का फिक्र है। अब फार्मूला क्या होगा पैसिव वर्ब का, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसका इस्तकबाल किया गया, ही वाज वेलकम्ड, उसका इस्तकबाल किया गया बड़ी गर्मजोशी से, वार्मली, वार्मली। और पैसिव वर्ब में की तरफ से अंग्रेजी हमेशा होती है बाय, लोगों की तरफ से बाय द पीपल, उसे मुखलिस और बेगर्ज रहनुमा ख्याल किया गया। फिर पास इंडेफिनिट पैसिव वर्ब, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वाज कंसीडर्ड, ही वाज कंसीडर्ड, उसे ख्याल किया गया, क्या, अ सिंसियर एंड सेल्फलेस लीडर। अगर सेल्फलेस कंफ्यूज कह रहा है तो सेल्फ सिंसियर एंड ऑनेस्ट लीडर। आगे देखें, लेकिन सिर्फ एक साल बाद उसने लोगों की मदद को खो दिया। फिर पास इंडेफिनिट का एक्टिव वर्ब का फिक्र है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बट अब इसको भी पहले ला सकते हैं, बाद में भी ला सकते हैं, अगर पहले लाएंगे तो कॉमे का इस्तेमाल होगा, लेकिन सिर्फ एक साल बाद। बट आफ्टर वन, ओनली वन ईयर, आफ्टर ओनली वन ईयर, आफ्टर ओनली वन ईयर, सिर्फ एक साल बाद उसने लोगों की हिमायत को खो दिया, ही लॉस्ट द फेवर ऑफ द पीपल। और इसको बाद में कर लाएंगे तो पहले फिर ये लाएंगे, उसने लोगों की हिमायत को खो दिया, और ही का एच बड़ा आ जाएगा, ही लॉस्ट द फेवर ऑफ द पीपल, उसने लोगों की हिमायत को खो दिया एक साल पहले। तो वन ईयर अगो, ओनली वन ईयर भी अगो कह सकते हैं, सिंपल इसमें कन्फ्यूज हुआ तो एक साल बाद, आफ्टर वन ईयर, सिर्फ एक साल बाद नहीं, वो गो पहले होता है, एक साल बाद, आफ्टर वन ईयर, एक साल बाद, क्योंकि वो उनके साथ अपने वादे पूरे ना कर सका। चलते हुए फिक्र में अगर क्योंकि का लफ्ज़ आ जाए, तो क्योंकि की इंग्लिश जो होती है क्योंकि के लिए एज यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर पिछले साल जोड़ना फिक्र तो एज का ए छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये यूज ऑफ कुड है, कुड सका सके जिसमें आज कुड का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मनफी में कुड नॉट, क्योंकि वो अपने उनके साथ अपने वादे पूरे ना कर सका। एज ही कुड नॉट फुलफिल हिज प्रोमिसज विद देम, उनके साथ इस तरह उसे गद्दार करा दे दिएगा, पास ने उनका पैसे बचा इस तरह। इन दिस वे ही वाज कॉल्ड अ ट्रेटर, ही वाज कॉल्ड अ ट्रेटर, और फांसी दे देगी एंड हैंग्ड। अगर किसी फिक्रे में और से पहले वाला ऑब्जेक्ट सेम है तो दोबारा ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी सेम है तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी सेम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ही आ गया दोबारा ही नहीं आएगा, वाज आ गया दोबारा वाज नहीं आएगा। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हैंग्ड, बस। तो इस तरह आपका
ये पैटर्न ट्रेडर की जो पोइंग जो है वो मुकम्मल हुई, तो इंशाल्लाह इसी तरह जो शॉर्ट शॉर्ट जो कर देंगे ताकि आपको 10 के बाद या जो मुश्किल पोइम है मैं इसी अंदाज से करूँ ताकि कोई बच्चा हमारा फेल ना हो। अल्लाह हाफिज़।